ओके, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड यू आर ऑल हैविंग अ गुड टाइम। ओके, आज हमने गोल सिटी, मतलब गोल सिटी का एक रीजन, क्योंकि ऑब्वियसली गोल सिटी बहुत बड़ा है और उसको एक वीडियो में कवर करने में तो कुछ शायद डेढ़ दो घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो मैं गोल सिटी का सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन रीजन है ना, जो एक्चुअली मैं लिवेबिलिटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पर इमिजिएटली रहा भी जा सकता है, जहाँ पे डेवलपमेंट, रिहाइश, फैसिलिटीज़ वगैरह सब की सब परफेक्टली मौजूद हैं, तो उन सब को हमने जाके आज विज़िट करना है। एक स्ट्रीट टूर करेंगे उसका, और साथ ही साथ फिर उसके बाद वीडियो के एंड में उसका एनालिसिस है कि कौन से एरियाज़ में किस टाइप के प्लॉट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, लेट्स गो। ऑलराइट, सो ये अभी हम गोल सिटी के रीजन के करीब पहुंचने वाले हैं। सिर्फ एक एरिया का समझाने के लिए कि ये कितनी आबादी के बीच में है, सो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये 10A है, राइट साइड के ऊपर ये प्रीसिंक्ट 8 है, पीछे बहरिया हाइट्स था, और फ्रंट के ऊपर यहाँ पे अली ब्लॉक आएगा, वो हम अभी देखेंगे, और इधर लेफ़्ट के ऊपर फिर से 11A भी आएगा। सो 10A 11A एक साथ हैं। सो खैर, ये जो गोल सिटी का जो ये वाला रीजन है ना, ये हद से ज़्यादा लुक्रेटिव इसलिए क्योंकि ये इमिजिएट रेडी फॉर लिविंग के लिए रेडी है, मतलब इन द सेंस के यहाँ पे घर भी बहुत सारे बन रहे हैं, ऑलरेडी फैमिलीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं, और ये थोड़ा हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, करीब करीब में हर चीज़ मौजूद है। जैसे ये अली विला, जैसे ये अली स्क्वायर है, दिस इज़ नियर अली ब्लॉक, हम 11A 10A अली ब्लॉक, इन सब की प्रीसिंक्ट 8, बहरिया हाइट्स, इन सब की विसिनिटी के अंदर घूम रहे हैं। सो ये जो भी एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, या एक घर के हवाले से जो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी इस एरिया के अंदर बिल्कुल पूरी होती हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट रीजन्स गोल सिटी के अंदर, एक लिविंग के स्टैंडर्ड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। शशकों के हवाले से अगर किसी को चाहिए कि जैसे उसका गोल्फ बैकयार्ड के ऊपर ओपन हो रहा हो चीज़ें, तो वो थोड़े से डिफरेंट एरियाज़ हैं। वो मैं इसको गोल सिटी को ना मैं 3 पार्ट्स में कवर करूँगा, या मोस्ट प्रॉब्ली 2 पार्ट्स में। अभी मैं सिर्फ एक छोटी सी पॉकेट को डिस्कस करूँगा ताकि वी अंडरस्टैंड कि गोल सिटी क्या सिनारियो क्या है, क्योंकि गोल सिटी बहुत बड़ा है, इट्स टू बिग टू कैप्चर इन वन वीडियो। बिफोर मूविंग ऑन विद द वीडियो, आई वुड लाइक टू डू अ लिटिल मार्केटिंग, एंड डोंट वरी, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं ज़ाया करूँगा। अगर आप अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, और आपको सुकून दे, हैसल फ्री, वन विंडो सोल्यूशन चाहिए कि जो कि आपका वक्त और पैसे दोनों बचाए, तो डिज़ाइनर होम्स आपको प्लॉट खरीदने से लेके घर के फाइनल हैंड ओवर तक की तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा ना ही सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स ये इंश्योर करते हैं कि आपका घर बिल्कुल 100% सही तरीके से बने, बल्कि आपको 24 घंटे एक्सेस देता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने घर की कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को खुद अपनी आंखों से देख सकें। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑब्वियसली उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि हम आपको किसी और कंस्ट्रक्शन साइट की तस्वीरें भेज के आपको बेवकूफ़ बनाएं, या कोई मटेरियल में हेरा फेरी करें, क्योंकि हर चीज़ आपकी आंखों के सामने हो रही होगी बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे आप खुद अपनी साइट के ऊपर मौजूद हों। मीनिंग सिंपल, ऑनेस्ट, बेस्ट एंड टाइमली कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। हमारी सर्विसेज परफेक्ट हैं फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, या हर उस इंसान के लिए कि जो कि कंस्ट्रक्शन साइट को अपना वक्त नहीं दे सकता क्योंकि वो और इम्पॉर्टेंट कामों में मसरूफ़ हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को हैंड ओवर कर चुके हैं, और बहरिया टाउन कराची की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वन ऑफ द पायनियर्स हैं ऑपरेटिंग इन दिस बिजनेस इन बहरिया टाउन कराची सिंस 2017।
दैट मीन्स कि 7 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास गैदर हो चुका है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो और वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब हमारी सर्विसेज आपको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती हैं इसको जानने के लिए जो दिया गया नंबर है इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है और एक अपॉइंटमेंट सेट करनी है मुझसे। पहली कंसल्टेशन कॉल या पहली जो मीटिंग सेट होती है इसके अंदर मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहता हूँ और पर्सनली उसको आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को सही तरीके से समझ के एक राइट मशवरा राइट डायरेक्शन आपके साथ सेट की जाएगी ताकि आप गुमराह ना हो। चाहे वो प्लॉट सिलेक्शन की बातें हों, बजट्स हों, कंस्ट्रक्शन किस क्वालिटी की करवानी है वो हों, या क्या घर बनाना आपके लिए वायबल है भी कि नहीं आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए, ये सब की सब चीज़ें उसी मीटिंग के अंदर डिस्कस होती हैं। इसके अलावा घर के डिज़ाइन प्रोसेस में शुरू से लेके एंड तक, चाहे वो आर्किटेक्चुरल ड्राइंग्स हो, मतलब जो घर का लेआउट वगैरह है, एलिवेशन डिज़ाइंस, उसकी सिलेक्शंस 500 यार्ड्स ऑनवर्ड्स हाउसेस में, किचन डिज़ाइंस, बाथरूम डिज़ाइंस, इंटीरियर डिज़ाइन, ये सब की सब चीज़ों के अंदर मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ क्योंकि एक तो मुझे खुद भी शौक है डिज़ाइनिंग का, कुछ नई चीज़ें करने का, और साथ ही साथ इस सब का मकसद भी यही है कि ताकि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो और आपको एग्जैक्टली वो चीज़ मिले कि जो कि आपका ख्वाब है, क्योंकि घर जिंदगी में एक ही दफा बनता है। सो दिए गए नंबर के ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है और एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू वेरी सून। अपना बहुत ख्याल रखें एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो खैर ये पीछे जो नजर आ रहे हैं ना ये अली ब्लॉक है, हम इसको देखते भी हैं। ये लेफ्ट पे हमारे 11A आ गया है, ये राइट पे अली ब्लॉक है एंड स्ट्रेट जो ये रोड जा रही है ये गॉल सिटी की तरफ जाती है। ये हम गॉल सिटी के एंट्रेंस के ऊपर पहुंच गए हैं। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द गॉल सिटी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहीं पे ये बस स्टैंड्स आपको दिख रहे होंगे, ये जो बस स्टैंड्स हैं यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिक बसेस का जो स्टॉप है वो भी यहाँ से गुजरता है। इधर नीचे जाएंगे तो 11B और 10B शुरू हो जाएगा एंड ये हम फौरन एंटर हो गए गॉल सिटी के। और आप देख रहे होंगे कि एक हाइटेड लोकेशन है, मतलब ये सब नीचे है। यहाँ पे अली फ्लाईओवर है इस जगह के ऊपर जो एक ब्रिज है बैरिया का। अब ये लेफ्ट साइड के ऊपर दीज आर ऑल 1000 yards, ये 1000 yards के प्लॉट्स हैं एंड राइट साइड के ऊपर ये सब 500 yards हैं। तो 500 yards में आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि देर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि अंडर वे हैं, बहुत सारे फिनिश भी हो चुके हैं, जैसे कि ये वाला घर है और बहुत सारे फिनिश होने वाले हैं। सो ये वाला जो रीजन है ना, हम अभी सिर्फ और सिर्फ इसको स्टडी करेंगे और फिर वापस जाके मैप के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सिनारियो है। सो अभी के लिए लेट्स जस्ट सी। इस वाले रीजन के अंदर कुछ एडवांटेजेस तो फैसिलिटीज़ वाइज तो सब मैंने आपको बता दिया। मस्जिद जैसे आपको दिख रही होगी ऑल द वे ओवर देयर, ये गॉल सिटी की मस्जिद है, ये विद इन 5 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर है। पीछे स्कूल भी नज़र आ रहा है, वो भी करीब में ही है यहाँ पे। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। ये ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है एंड दिस हाउस, दिस इज़ आर प्रोजेक्ट, ये हमारा डिज़ाइनर का प्रोजेक्ट है। ये भी इंशाल्लाह जल्द फिनिश हो जाएगा, इसका भी टूर वगैरह वो हम करते रहेंगे। एंड उसी गली के अंदर एक और भी हाउस है जो फिनिश हो भी चुका है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये फ्लैट लैंड है, मतलब दिस इज़ अ फ्लैट लैंड, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है थोड़ी सी क्योंकि थोड़ी डेप्थ ज़्यादा है इधर कहीं कहीं, जैसे जो हमारा वाला था उसकी प्लॉट डेप्थ ज़्यादा थी। उसका आप ख़ुद भी देख रहे होंगे कि दोनों घरों में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँ तो आप एक घर ये देख रहे हैं, ये वाला जहाँ ये एक्सकेवेटर घूम रहा है, मतलब जो भी है वो, और दूसरा घर ये वाला, तो इनमें कितना हाइट का डिफरेंस है, मतलब काफ़ी डिफरेंस है इनके अंदर। सो ये थोड़े से डेप्थ वाले एरियाज़ हैं, ये स्लाइटली कॉस्ट आती है, और ये वाले जो रीजन्स हैं ये बिल्कुल फ्लैट लैंड के ऊपर हैं। तो मैं रैंडम अभी गली के अंदर एंटर हुआ हूँ ताकि वी गेट टू सी द सिनारियो और हम उसको सही तरीके से देखते हुए चलें कि यहाँ पे क्या है। सो ब्यूटीफुल एरिया है, मतलब मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है, और सबसे ज़्यादा तेज़ी से आबाद होने वाला एरिया भी यहाँ पर यही है गॉल सिटी का। एज़ यू कैन सी कि डेवलपमेंट तो यहाँ पे पूरी है, हर टाइप की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, क्योंकि हर चीज़ ही करीब है तो एवरीथिंग इज़ हेयर। ये एक बिल्कुल फिनिश्ड हाउस है विद द फैमिली ऑलरेडी लिविंग यहाँ पे, एंड आगे आगे और भी ग्रे स्ट्रक्चर्स वगैरह वो सब बन रहे हैं। अच्छा, ये गलियाँ सारी जितनी भी हैं ना ये सब कल्डिसैक्स हैं, मतलब ये वाली गली भी एज़ यू कैन सी यहाँ पे एंड होगी
इसी तरीके से बराबर वाली जो गली है जो अभी दिख नहीं रहा, सॉरी अब मैं घूम गया, ये वाली गली है और एक ये है, ठीक है। ये भी आपको कल-डी-सैक नज़र आया यहाँ पे, जो कॉर्नर इसका एक्स जो बना हुआ है, तो इस जगह के ऊपर भी गलियाँ एंड हो जाती हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रैंडम लोगों की एंट्री नहीं है, मतलब वही लोग यहाँ पर आएंगे जो के मतलब इधर यहाँ के रिहायशी हैं या किसी से मिलने आ रहे हैं, रैंडम लोगों की एंट्री यहाँ पे नहीं होती। अच्छा, गोल्फ सिटी के इस रीजन के अंदर कुछ एक दो और भी मज़े की चीज़ें, वो कि मतलब यहाँ पे कभी कभी प्लॉट डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो जब प्लॉट डेप्थ ज़्यादा है तो आपको बेसमेंट्स वगैरह वो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। और बल्कि इफ़ आई जस्ट अभी मैं बल्कि अपना जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसकी तरफ लेके आज चलता हूँ, तो वहाँ से जो व्यू आता है, मतलब आप उसकी प्लानिंग बहुत मज़े की कर सकते हो। पीछे आप अपना टेरेस इस तरीके से बना सकते हो कि आपको एक ज़बरदस्त व्यू मिले, क्योंकि दिस इज़ द हाइटेड लोकेशन और 500 यार्ड्स में आई थिंक बैरियर हिल्स के बाद यही टॉप मोस्ट लोकेशन है और काफ़ी मतलब अच्छा एक व्यू देता है। तो अभी मैं अपने वाले प्रोजेक्ट की तरफ लेता हूँ, वहाँ से पीछे से उसका लुक दिखाता हूँ ताकि उसके अंदर से भी क्लैरिटी हो कि अगर कोई बंदा अपना डिज़ाइन करना चाहे ना उस तरीके से, तो वो बहुत ही मज़े का उसके अंदर लेके चल सकता है। ओके, तो ये हम अभी एंटर होते हैं, वही बात के घर का टूर वगैरह तो वो सब हम करते रहेंगे। ये हाउस भी बिल्कुल नियर टू फिनिशिंग है, इसका किचन का वुडवर्क का इन सारी चीज़ों का काम हो रहा है। ये एक बड़ी अच्छी क्लाइंट की सिलेक्शन थी और लगाया कैसा है हमने वो आपको दिख गया होगा। एनीवेज हम ज़रा ऊपर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो अब ये वाला एरिया जो आ जाता है ना, जस्ट चेक आउट द व्यू। द गुड थिंग इज़ जैसे आप देख रहे होगे कि ये वाली जो गली है ना, ये नीचे है, तो इसके सामने ऑब्स्ट्रक्शन कभी भी कोई भी नहीं आएगी। तो मतलब यहाँ से आपको पूरा बहरिया का व्यू नज़र आता है। और वंस अगेन, जो ये वाले क्लाइंट थे, इनको तो ज़ाहिर है रूम्स थोड़े ज़्यादा चाहिए थे। देर आर ऑलमोस्ट लाइक 6 to 7 बेडरूम्स इन दिस हाउस। लेकिन अगर आपको रूम्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये पूरा रीजन एक टेरेस टाइप का बन सकता है और डिज़ाइन इस तरीके से हो कि ये सारा आउटलुक इसका यहाँ से जा रहा हो और पूरा का पूरा एरिया आपको नज़र आए। रात को भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये जो शुरू की जो पट्टी है ना, जो बिल्कुल ही शुरू के साथ है, इसमें आप देख रहे होगे कि बहुत सारे घर भी हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखाता हूँ, यहाँ से एक ओवरव्यू भी दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी ओवर हियर हाउसेज, यहाँ पे भी हाउस है, और इस साइड के ऊपर भी आ जाएं, वहाँ पे भी घर है, और बहुत सारा एरिया अभी भी खाली पड़ा हुआ है फॉर सो मैनी अदर पीपल के जो कि इस जगह का एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो ये अली ब्लॉक नज़र आता है, ये सामने प्रीसिंक 15 है, ये प्रीसिंक 27 है, ये वो लंदन ब्रिज है जिसको लंदन ब्रिज बोलते हैं, वैसे तो ये अली फ्लाईओवर है एज़ यू कैन सी। तो मुझे जो पर्सनली जो रीजन ये वाला इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो हाइटेड लोकेशन और उसकी वजह से जो आप प्लानिंग कर सकते हो ना अपनी, वो बहुत ही मज़े की बनती है। एंड अभी इधर का किचन और वुड वर्क और ये चीज़ें हो रही हैं। एंड खैर, इस घर की एक बड़ी ज़बरदस्त फीचर है वो ये क्लाइंट ने अपना मास्टर बेडरूम इस तरीके से बिल्ड करवाया था। मतलब इट्स अ मैसिव रूम, ये आप देख रहे हो ना, पूरा का पूरा इस तरीके से खुला हुआ भी है। एंड यहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट है, दिस इज़ द बेड सेट एरिया, एंड ऊपर एक स्काईलाइट भी दी हुई है। ये जैसी फिनिश होती हैं चीज़ें तो अपना लुक ये सही निकालती नज़र आती रहेंगी। एंड दिस इज़ द स्टेयरकेस, ये भी अभी बड़ा प्यारा बन जाएगा, यहाँ से भी एक बड़ा ज़बरदस्त व्यू आता है। तो खैर, यहाँ का जो मेन रीज़न जो मैं दिखा रहा था वो यही कि यहाँ पे जो मतलब व्हाट वुड वी से जो व्यू है या जिस तरीके का शशका यहाँ पे क्रिएट हो सकता है वो बहुत मज़े का है। नाउ मैं अपने स्ट्रीट टूर को वापस कंटिन्यू करता हूँ। एज़ यू कैन सी कि हम यहाँ पर आ गए और ये जो गली थी ना, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ है, ये देख रहे होंगे आपके ये ऊपर स्लोप जा रहा है, तो यहाँ वाला जो प्लॉट है इसकी डेप्थ ज़्यादा है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो नॉर्मलाइज होता चला जाएगा। इधर भी आप देखेंगे तो ये अच्छी खासी प्लॉट डेप्थ है, सो दैट मीन्स कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पे कोई प्लॉट ख़रीदना है तो उसको बेसमेंट की बहुत बड़ी स्पेस मिलेगी। एंड इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमने यहाँ पे अपनी परचेजिंग करनी होती है और अपनी कंसल्टेशन को साथ चलाना होता है।
सो अब मैं रैंडम दो चार और गलियों के अंदर भी घूमता हूँ, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जिस वाले घर को भी आप देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ है, इससे आपको साफ पता चल रहा है कि जो इधर घर बनेगा ना इस जगह पे, उसके सामने ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा व्यू। तो जितना भी मतलब हाँ शशका देना इंसान है वो अपनी बैकयार्ड की तरफ और बैक एलिवेशंस को लेते हुए बहुत ज़बरदस्त चला सकता है। एक और फीचर इस जगह का वो मैं दिखाता हूँ और फिर वापस हम अपने स्ट्रीट टूर पर आएंगे, वो है ये वाला व्यू। नाउ दिस इज़ वेयर द इंटायर गोल्फ सिटी लाइज और इस जगह से आपको पूरे गोल्फ कोर्सेज नज़र आते हैं। ये सामने 1000 yards हैं, अभी तक यहाँ पे किसी ने घर नहीं बनाना शुरू किया, तो आप लोगों को भी बोलूँगा कि कैपिटलाइज़ करें अभी की मार्केट को और बनाएं यहाँ पे घर। ये मैं अभी रैंडम डिटोर ले रहा हूँ ताकि यू गेट टू सी कि ये जो एस कर्व है ना, एक तो यहाँ पे वॉक शॉक चीज़ें ये ज़बरदस्त, इन ऑल दिस एरिया ये सब का सब ये सारा गोल्फ है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पीछे गोल्फ की सारी चीज़ें इधर भी आपको नज़र आ रहा है, ये भी पूरा गोल्फ कोर्स है, वो पीछे भी एक घर बन रहा है। सो ये सारा गोल्फ का व्यू दिखता है एंड यू कैन सी ओवर हेयर एज वेल कि इस जगह के ऊपर ये जो है यहाँ पे गोल्फ कोर्स है ये, और गोल्फ कोर्स बहुत ही प्यारी लगती है। ये आँखों से देखने का एक अलग मज़ा है, कैमरा एक हद तक ही दिखा सकता है, और जो इतना खूबसूरत है ना ये एरिया, ये बहुत ही ज़बरदस्त आता है उस रीजन में। तो हम इस वाले रीजन को अपनी अगली वीडियोस में कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी इतने घर नहीं बने हुए, ये वही लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो कि एक फार्म हाउस टाइप चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं। और जो गोल्फ सिटी का जो पहला वाला रीजन था जिसको हम अभी देख रहे हैं आज की वीडियो में, वो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि तकरीबन सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये हम आ गए, अब ये वो प्लॉट्स हैं जो कि 1000-2000 गज के जो कि ओपन होते हैं गोल्फ कोर्स के अंदर। तो ये शशके वाले भी हैं, महंगे भी हैं, और गोल्फ सिटी का जो असल जो मज़ा है ना वो पता चलेगा वक्त के साथ, जब लोगों को यहाँ पे जिस टाइप की जो एक लग्जरी लिविंग चाहिए ना वो सिर्फ गोल्फ सिटी ऑफर करते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं करता। ये आप देख रहे हो लश ग्रीन्स हैं इसके गोल्फ कोर्स के, पीछे मस्जिद है वो भी नज़र आ रही है बैकग्राउंड के अंदर, तो नमाज वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। अब हम ये वापस अपने एरिया की तरफ एंटर हो गए। ये वाला जो कुछ हिस्सा है ना, यहाँ पे गोट है करीब, मतलब ये वाला जो रीजन है, तो इधर मैं इतनी ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता अनलेस कि किसी ने ऑलरेडी अपना प्लॉट लेके रखा हुआ हो, तो वो एक अलग बात है, वरना अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है अगर आप ज़ीरो से प्लॉट लेना चाह रहे हैं। हाँ अगर आपको ऑलरेडी है तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता, और कोई ऐसे भी सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात कि इंसान अगर अवॉइड करना चाहे तो बेहतर है। ये अनदर हाउस है जो कि फिनिश्ड है, रेडी है, फैमिली इज़ ऑलरेडी लिविंग ओवर हियर, एंड बाकी ये सब का सब वही रीजन है जो कि हमारा वाला जिसको हम रेकमेंड करते हैं। तो अब हम ये सब गोट से दूर आ गए ना, गोट इज़ नॉट नियर बाय, और अब हम उससे अच्छा खासा दूर हैं, एंड दैट इज़ वाई रैंडम स्ट्रीट के अंदर एंटर होते हैं किसी भी। यू कैन सी कि गोट का एरिया इज़ ऑल द वे ऑन द अदर साइड। तो हमने जो टारगेट करना होता है ना वो ये वाला रीजन सारा करना है, बैक वाला रीजन भी है, वही बात के मतलब वो पूरी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अगर किसी को गोट से इशू नहीं है और वो थोड़े पैसे बचाना चाह रहा है अपने, तो वो डेफिनेटली उस रीजन को कंसिडर करे। बाकी आप ये सब देख रहे होंगे, फ्लैट लैंड है, हाइटेड लोकेशन है, ब्यूटिफुल एरिया है, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। मतलब मुझे बहुत पसंद है यहाँ का व्यू, यहाँ की सारी चीज़ें। गलियों के अंदर मैं फिर से रैंडम एंटर हो रहा हूँ, दिस इज़ स्ट्रीट 51 एंड नीचे नीचे। अच्छा ये वाले जो घर नज़र आ रहे हैं ना ये हैं 27A के, लाइक प्रीसिंक 27A। ये जो घर है ये गोल्फ सिटी का है, वो वाले जो हैं वो 27A पर हैं, और आप देख रहे होगे कि रोड कितनी अप एंड डाउन यहाँ पे चलती है। अब ये वाली तो बिल्कुल ही एकदम से जाके एक प्रॉपर डिप लेती है इस तरीके से, और इस वाले यहाँ पे भी आपको फिर प्लॉट्स की परचेजिंग है ना थोड़ी सोच समझ के करनी होती है। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे ये वाला सारा फ्लैट लैंड के ऊपर है, ये वाले भी फ्लैट लैंड के ऊपर है, एंड दिस इज़ अ पार्क बाय द वे। ये जो हम जिस एरिया में घूम रहे हैं ये पार्क वाला एरिया है, और फ्यूचर के अंदर ये भी बड़ा खूबसूरत होना है। तो ये सारे जितने भी रीजन्स हैं एज़ यू कैन सी ये सब प्लॉट्स, खूबसूरत भी एरिया, मज़ेदार भी एरिया, और विद इन 1-2 years इस जगह की रुख ही बदल जाना है, क्योंकि वही कहते हैं ना कि जहाँ पे आबादी आना शुरू हो जाए वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी परफेक्ट हो जाता है, रेजिडेंशियल के लिए तो वो होता ही है क्योंकि वहाँ पे आबादी है। सो ये पार्क को हम घूम रहे हैं, एंड इन सब चीज़ों को हम मैप के ऊपर सही तरह डिस्कस करेंगे, सो यू गेट ए प्रॉपर आइडिया कि मतलब गोल्फ सिटी का इस वाले रीजन का सिनारियो क्या है। फिर हम वापस ऊपर चलते हैं अपनी गलियों से,
ये थोड़ा सा उन लोगों को पसंद आएगा ये सारा रीजन, कि जिनको थोड़ा सा हिली एरिया और थोड़ा स्टाइल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ घर नहीं बनाना, मतलब उसके अंदर एक थोड़ा लिविंग स्टाइल भी होना चाहिए कि अप डाउन रोड्स हैं, हाइकिंग यहाँ पे हो, वॉक करे बंदा तो उसको बड़ा मज़ा आए, ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट, उसको अच्छी जगह मिले, ये वो सारा रीजन उन लोगों के लिए है। अब ये मैं करते करते मेन रोड के ऊपर फिर आता हूँ और फिर से हम एक रैंडम गली के अंदर एंटर होते हैं एंड बस उसके बाद फिर हम अपने स्ट्रीट टूर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर एनालिसिस भी हमने करना है वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये हम फिर से मेन रोड की तरफ आ गए, वंस अगेन वही वाली पट्टी, राइट पे 1000 yards, लेफ्ट पे 500 yards। ये भी जो 1000 yards है ना, इनका क्रेज़ी डिज़ाइन बन सकता है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर भी जो पीछे की साइड से जो व्यू है आपका, वो पूरी गोल्फ़ कोर्स को लुकेंगे। सो आप बड़े बड़े शीशे, बड़ी चीज़ें एक अच्छे तरीके से प्लान उस तरीके से कर सकते हो, सो इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। और सनसेट भी यहीं गिरता है आके, सो उसका भी एक अलग मज़ा है। अब मैं फिर से एक और गली के अंदर एंटर हो गया हूँ रैंडम। अच्छा, फ्यूचर के अंदर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे शॉपिंग गैलरी है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ पे पार्क भी है, सो दैट्स ऑल इन द फ्यूचर, जैसे जैसे यहाँ पे आबादी बढ़ती चली जाती है। एंड अनदर रैंडम गली के अंदर हम एंटर हुए और आप पूरे एरिया को देखते चले जाओ, इट्स मतलब कहीं फ्लैट लैंड है, कहीं दूसरा एरिया है, कहीं ये जैसे आप रोड देख रहे होगे कैसे ज़िगज़ैग करती हुई जा रही है। तो मतलब खैर, मुझे ये चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं और मुझे इस टाइप की लिविंग, इस टाइप का स्टाइल पसंद है। ये घर भी आप देख रहे होगे कि ये सारा फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे बेसमेंट इतनी आसानी से नहीं निकलेगी, और जो ऊपर वाले हैं उसके अंदर बेसमेंट आसानी से निकलेगी। और ये समझो फ्यूचर के अंदर तो ये जो एक समझो मरी नथिया गली टाइप का है, जो एक इन्वायरमेंट बनता है ना, वो बनेगा जैसे यहाँ पे घर कंप्लीट हो जाएंगे और ये पौधे जो लगे हुए हैं, जितने भी दरख्त, ये सब नज़र आएंगे बड़े होते हुए। सो इट विल लुक रियली रियली ब्यूटीफुल। फुल हिली सरफेस है यार, मतलब ऑल दिस इज़ हिली एरिया। एंड जो हमारा वाला प्रोजेक्ट तो वो ये छोटा सा जो नज़र आ रहा है, हम इतना अंदर आ चुके हैं और हर जगह आपको हिली एरिया ही नज़र आएगा। ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद है ये वाला एरिया और मैं उसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। ये हम एक और कल-डी-सैक की तरफ आ गए होंगे, नहीं सॉरी, ये रोड कनेक्ट करती है। अच्छा, अब ये हम बिल्कुल इसके एज के ऊपर आ गए, दिस इज़ अली ब्लॉक, एंड यहाँ से ये रोड बंद हो रही है और ये वाली वापस ऊपर की तरफ जाएगी होपफुली। और ये सब नीचे ये गोल्फ सिटी का रीजन है एंड ऑल दिस इज़ गोल्फ सिटी। बहरिया ने यहाँ पे भी है ना, इस वाले एरिया पे दरख्त लगा दिए, अपने प्लांट कर दिए, तो ये और भी फ्यूचर के अंदर ज़बरदस्त होगा। एंड दिस यू कैन सी, ये स्टॉर्म ड्रेनेज है बहरिया का, सही प्रॉपर तरीके से पानी की मैनेजमेंट है यहाँ पे और काफ़ी ज़बरदस्त है। और आजकल बारिश की वजह से फुल ग्रीन हुआ हुआ है तो और प्यारा लग रहा है। ये रहा वो सारा रीजन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले जो प्लॉट्स हैं, ये बहुत मतलब कॉस्ट में भी एक्सपेंसिव पड़ेंगे, क्योंकि इनको बहुत नीचे से ऊपर लाना है। ये वाले प्लॉट्स हैं, इनका कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे आपको इन वाले प्लॉट्स पे डबल बेसमेंट्स मिल सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। सो वही बात के जिसके जो शौक़, जिसकी जो चीज़ें, उसको उसके हिसाब से, मतलब यहाँ पे हर टाइप के बंदे के लिए हर चीज़ मौजूद है, अवेलेबल है। ये हम वापस से अपने ऊपर वाले रीजन की तरफ आ गए एंड यहाँ से राइट टर्न लेके हम निकलते हैं। सो एनीवेज, ये हो गया आपका एक स्ट्रीट टूर। अब हम मैं घर की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे जाके एक एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने से आपको थोड़ा और भी समझ आएगा कि ये रीजन ओवरऑल आउटलुक में दिखता कैसे है। ऑन ग्राउंड स्ट्रीट सिचुएशन तो आपने देख ली है और सारी की सारी फैसिलिटीज़ नियर बाय हैं, मतलब ये वो वाला रीजन नहीं है कि अगले 5-6 साल के बाद आप इसको आबाद करने का सोचो। ये फ़ौरन के हर मामलात के लिए रेडी है, अवेलेबल है। और जैसे जैसे वही बात ना कि एक की देखी एक कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, तो जैसे जैसे लोग देखते चले जाएंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आती चली जाएंगी। एंड आई गेस दैट्स दैट फ्रॉम द स्ट्रीट टूर। अभी स्ट्रीट टूर के लिए इतना ही, एनालिसिस के लिए आप वेट कीजिएगा जो मैप के ऊपर मैं एनालिसिस करता हूँ। अब घर जाके उसको एनालाइज करते हैं। ओके, सी यू एट होम। ऑलराइट, सो ये आ गया हूँ मैं घर पे, अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं जल्दी से। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इस चीज़ पे कि हम ओवरऑल गोल्फ का एरिया है कैसा और उसकी सराउंडिंग्स क्या हैं, किस तरीके से उसका आउटलुक आ रहा है, ताकि यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वहाँ पे एक एक्चुअल सिनारियो है क्या। तो ये वाला वो रीजन है जिसको हम देख रहे थे, ठीक है। अब इस वाले रीजन के अंदर आप सराउंडिंग के अंदर पूरा चेक करो कि ये मेन जिनाव एवेन्यू है,
जिना एवेन्यू से कितना करीब एक्सेस है, ये अली ब्लॉक है, ये 11A, 11B, 10A, ये सॉरी 11A, ये 10A है, ये प्रीसिंक्ट 8 है, ये सारा का सारा अली ब्लॉक है, ये यहाँ पे बैरिया हाइट्स के वो वाले टावर्स हैं, और ये पूरा गोल्फ सिटी है। इफ़ यू कैन सी ऑल अराउंड दिस एरिया, ये सारा का सारा ये पूरा गोल्फ सिटी है। और इस रीजन के पास जैसा आप देख रहे होगे, अगर मैं मैप पे भी इसको दिखाऊं, ये पूरा गोल्फ कोर्स है। मतलब ऑल दिस, ये जो जितने भी सारी वाटरवेज नज़र आ रहे हैं, ये लेक्स हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं अभी, बाय द वे। ये ऐसा नहीं है कि कभी फ्यूचर में बनेंगे जाके, ये सब मैंने आपको जैसे वीडियो में भी दिखा रहा था ना, ऑल ऑफ दिस इज़ एग्जिस्टिंग। ये सारा का सारा पूरा, ये जितना भी सारा कुछ है इस पीछे वाले एरिया को छोड़ के, ये फ्रंट वाले एरिया के ऊपर जितना भी कुछ है, ये सब का सब मतलब रेडी है। एंड इसके अंदर गोल्फ के मतलब जो लश ग्रीन्स, पूरे ग्रीन्स बने हुए हैं, गोल्फ कोर्स पूरी बनी हुई है, तो ये सारा का सारा रेडी है, अवेलेबल है। तो ये तो हमारा हो गया इसका पूरा एनालिसिस, मतलब कि ओवरऑल सिचुएशन है कैसी। एंड नाउ अब हम डेप्थ के ऊपर आ जाते हैं, मतलब डिटेल के अंदर कि हमारे पास कौन सी चीज़ क्या है उस जगह पे। ऑलराइट, सो ये था हमारा पूरा गोल्फ वाला रीजन, ठीक है। इस जगह से हम एंटर हुए थे, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ से नहीं, सॉरी, इस जगह से। ये वो जगह थी कि जहाँ पे आपको जो बस स्टैंड नज़र आए थे, या ये जो ब्लू है ये 10A 11A और ये अली ब्लॉक है, तो ये बस स्टैंड था, हम यहाँ से एंटर हुए। जैसे ही हम एंटर हुए, आपने ख़ुद देखा होगा ये लेफ़्ट साइड के ऊपर 1000 yards हैं, ये सारी पूरी पट्टी जो है, ऑल दिस इज़ 1000 yards, और ये राइट साइड के ऊपर सारे के सारे थे जो कि 500 yards हैं। जो मेरा जो प्रोजेक्ट हमने देखा था वो इस जगह के ऊपर था, इस जगह पे हमने देखा था, एंड ये वो सारी गलियां थी। बाकी एंड में जब मैं नीचे नीचे तक गया था, तो ये स्ट्रीट 51 वाला सारा एरिया था, 56 वाला सॉरी, ये वो पार्क था जिसके ऊपर मैं बिल्कुल एंड के ऊपर आया था। बाकी ये वो वाला पार्क था जो मैं आपको वैसे ही दिखा रहा था, ये वाला एंड दिस वन। सो ओवरऑल दिस इज़ द ओवरऑल प्लेस। अच्छा, अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हुई हुई है ज़्यादातर, वो मैं एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्शन जो ज़्यादातर है ना, वो इस रीजन के अंदर चल रही है यहाँ पे। दिस ऑब्वियसली इज़ द फर्स्ट लोकेशन, ये सबसे पहली प्रायोरिटी के ऊपर एरिया है कि यहाँ पे आज आप आज की मार्केट को कैपिटलाइज करना चाह रहे हो, अच्छे रेट्स के अंदर प्लॉट्स भी लेना चाह रहे हो, तो दिस इज़ द रीजन। ऑब्वियसली ये बाकियों की नस्बत, जो बाकी अभी रीजन हम डिस्कस करेंगे, उससे थोड़ा सा प्राइसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा है, एंड ऑब्वियसली इसका एक्सेस भी बहुत ज़्यादा करीब है। इसी रीजन के अंदर सारा का सारा आपको फैमिलीज़ भी आबाद नज़र आएंगी, और आपको सारी सर्विसेज नियर बाय नज़र आएंगी। सो दिस इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव रीजन, चाहे वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, या आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दोनों के लिए बहुत परफेक्ट है। देन जो सेकेंड वाला रीजन है ना, वो है ये वाला, जो कि बिल्कुल मेन रोड के साथ है। एंड गोट का मैं अभी बताता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट होता है, बट अभी अपने आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, सेकेंड वाला नंबर का ये रीजन है। ये वाले जो फ्रंट के ऊपर हैं, ये सारे स्लाइटली फ्लैट लैंड के ऊपर हैं, और जैसे जैसे आप ये जो भूल भुलैया की तरफ अंदर अंदर आते रहेंगे ना, तो यहाँ पर ये अप एंड डाउन जो हिल्स हम नहीं देख रहे थे जिस तरीके से, ये सारा वो वाला रीजन आ जाता है। और थर्ड नंबर पे जो कि मैं रखता हूँ, वो ये छोटा सा रीजन है, वो है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि गोट इस जगह के ऊपर है। ये जितना भी एरिया बैरिया ने आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है ना, इसमें से बहुत सारा एरिया उसने रिक्लेम भी कर लिया, तो अभी जो गोट का जो मेन एरिया है ना, वो तकरीबन ये ऑब्वियसली मैं एक रफ़ तरीके से बता रहा हूँ, वो ये वाला सारा रीजन है। दिस इज़ द गोट, और ये बाकी सारा बहरिया ने रिक्लेम कर लिया है अपना, मतलब 27A के एक्सटेंशंस के थ्रू भी, और बाकी चीज़ों के थ्रू भी। यहाँ पे भी जब आप फ्यूचर में विज़िट करेंगे, मैं आपको 27A का भी विज़िट कराऊंगा, तो इस जगह के ऊपर आपको अच्छा खासा मतलब डेवलपमेंट नज़र आएगी। सो ये क्योंकि पुराना मैप है, और मतलब मैं उस तरीके से लेके नहीं चल रहा, सो दैट इज़ वाई जो गोट का जो रीजन है ना, वो ये वाला है। तभी इस वाले गोट के करीब वाले जितने भी प्लॉट्स हैं ना, इनको मैं रेकमेंड नहीं करता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज ख़रीदना है, हाँ अगर आपको ऑलरेडी है
और आपने पहले ही बुकिंग के वक्त ख़रीदा था, या आपके पास बजट नहीं था और आपने अपने बजट को सॉर्ट करने के लिए इस चीज़ को, रीजन को लिया था, तो फिर आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का डेफिनेटली सोच सकते हैं। छोटी मोटी सिक्योरिटी की चीज़ें हमने अपनी इन्हांस करनी होंगी, वरना अपार्ट फ्रॉम दैट इस वाले रीजन के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, मैप के ऊपर ये गोट ऐसा लग रहा है कि इसके करीब है, लेकिन रियलिटी में आपने खुद देखा था कि वो कितना, मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस था उसके अंदर, और वो वाला कोई भी मसला नहीं। तो तभी मैं बैक टू समरी अगर लेके चलूँ, दिस इज़ द फर्स्ट रीजन कि जो कि टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आता है। यहाँ पर आज कोई भी बंदा प्लॉट ले और फ़ौरन घर बनाना शुरू करे, उसको इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमिजिएटली उसको एक आबाद एरिया मिलेगा और एक ज़बरदस्त रीजन मिलेगा। देन सेकंड नंबर के ऊपर जो हमने अपना रीजन रखा था, वो मैं फिर से इसको थोड़ा सा इन्हांस करके आपको बता दूं, गोट से दूर रख के, वो है ये वाला रीजन। ये वाला रीजन इवन अंदर अंदर तक के भी, क्योंकि इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा वो जो हिली एरियाज़ के अंदर जा जा के इतनी खूबसूरत कुछ सेटिंग्स आ रही थी, मतलब उसका जो एक लुक था, और स्पेशली जब आप सनसेट के वक्त देखते हो या कभी बारिश के वक्त देखते हो या कभी उस टाइप की चीज़ के वक्त आप देखते हो ना, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीजन। चीज़ थोड़ी सी जिस वजह से मैं हमेशा कंसल्टेशन कॉल का बोलता हूँ, वो ये कि आपकी असेसमेंट और आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर प्लॉट ढूंढना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू के इस मैप के ऊपर देखा जाए, क्योंकि मैप के ऊपर आपको इसकी डेप्थ्स और वो चीज़ें नहीं समझ आ रही। आपको यहाँ से नहीं दिखेगा कि कौन सा प्लॉट हाइट के ऊपर है, कौन सा प्लॉट डेप्थ के ऊपर है। यहाँ पे फिर मेरी सर्विस आती है, वो ये जो वन विंडो सॉल्यूशन है कि प्लॉट परचेज से लेके फाइनल की हैंडओवर तक और उसके बीच के तमाम प्रोसेसेस, कि जिसके अंदर प्लॉट भी तमीज़ का हो, प्राइस भी अच्छी हो। यस, मैं परसेंटेज कमीशन ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन उसके अंदर फिर आपका सरदर्द ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरीके से आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, शशके वाली ड्राइंग्स, पीछे आपने ना टेरेस के ऊपर कुछ ऐसा स्टाइल दिया हुआ है, कोई बारबेक्यू पिट बनाई हुई है, सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, पैटियो टाइप दिया हुआ है, छत के ऊपर इस टाइप की कोई चीज़ें दी हुई हैं, ऑल दिस इज़ डन एट द आर्किटेक्चरल स्टेज। और आर्किटेक्चरल स्टेज इज़ द मेन थिंग जिसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद एग्जीक्यूशन में तो और अच्छा मज़ा आता रहता है। एंड देन थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हैं एलिवेशंस, क्योंकि देखो लाहौर, इस्लामाबाद, इवन कराची के DHA के अंदर बहुत मज़े के एलिवेशंस हैं। शुरू में बहरिया ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया था इसके ऊपर, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने अब एलिवेशन डिज़ाइंस को खोला है। तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन एलिवेशंस एज वेल, क्योंकि बहुत मज़े के एलिवेशंस हैं। मतलब एलिवेशन घर का असल रुख उठाता है, और 500 यार्ड्स में जब आपके पास ये ऑप्शन है, तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि एक इंसान अगर उसको अफोर्ड कर सकता है, ऑब्वियसली एलिवेशन बनवाने के लिए या उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस करने के लिए ना आपकी कॉस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगती है, तो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो और लेके चलना चाह रहे हो, तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप एलिवेशन अपने हिसाब से डिज़ाइन करें। मतलब प्री मेड जो बहुत सारी जो एलिवेशन जो बहरिया की तरफ से भी हैं, वो भी अच्छी हैं, उनसे आपका टाइम सेव होगा और आप जल्दी जल्दी अपना घर बना सकोगे। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि एलिवेशन को थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए, ताकि घर का एक आउटलुक एक डिफरेंट तरीके से आए और काफ़ी खूबसूरत उसके अंदर आ रहा हो। सो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, रूल वही है, व्हाट्सएप पे आपने एक मैसेज ड्रॉप करना है। मैं बल्कि इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ मेरे प्रोसेस को। सबसे पहले आपने व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप किया कि तैमूर, आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉइंटमेंट और अ कंसल्टेशन, के मतलब उर्दू में अगर बोलूँ कि मैं एक अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा हूँ और एक कंसल्टेशन कॉल आपसे रखना चाह रहा हूँ। उस कंसल्टेशन कॉल के ऊपर फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, हम एक दूसरे के साथ टाइम सेट करेंगे और हम एक टाइम लॉक कर देंगे। फिर वो एक घंटे की कॉल होगी कि जिसमें हम आराम से अपनी सारी डिस्कशंस करेंगे, आप मुझे अपना माइंडसेट बताओगे, मैं अपनी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, और एक राइट डिसीजन हम लेके फिर मैं सेकंड स्टेज के ऊपर, अगर आपने प्लॉट परचेज़ करना है तो मैं उसकी वर्किंग करूँगा, और अगर आपने बेसिकली कंस्ट्रक्शन अपनी करवानी है तो मैं उसके एस्टिमेट्स और वो चीज़ें जो कि हमारे डिस्कशंस के ऊपर बेस्ड होंगी, वो फिर आप पे सेंड करूँगा। हमारा नसीब हुआ या हमारे लिए विन विन सिचुएशन हुई, क्योंकि मेरी दुआ यही है कि या अल्लाह, मतलब हम दोनों को एक दूसरे के हक़ में बेहतर बना। तो अगर हम दोनों एक दूसरे के हक़ में बेहतर होंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चले जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई ना, उससे क्या मसला है। तो ये मेरा अल्लाह से कारोबार है, उन चीज़ों का कोई इशू नहीं होता। सो ये सिंपल प्रोसेस है, नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप मुझसे इन टच हो सकते हैं। एंड ओवरऑल गोल्फ के जो ये वाला रीजन है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव रीजन रेजिडेंस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लॉन्ग टर्म के हवाले से, शॉर्ट टर्म के हवाले से, हर तरीके से ये बहुत ज़बरदस्त है। और अब मैं सेकेंड पार्ट्स के अंदर वो वाले रीजन को डिस्कस करूँगा जो कि एक छोटी सी पॉकेट है, वो गोल्फ का पार्ट टू बनेगा। वो बहुत ही छोटा सा रीजन है,
लेकिन वो भी हाईली लुक्रेटिव है रेजिडेंट्स के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। और थर्ड के ऊपर फिर हम गोल्फ के थोड़े से जो मतलब कम आबाद एरियाज़ हैं उनके ऊपर एक ज़रा टूर मारेंगे, क्योंकि गोल्फ इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। लोग इसको आज नहीं समझते, थोड़े टाइम में जब समझेंगे तब तक प्राइसेस ऊपर जा चुकी होंगी। अभी बहुत ही अच्छा मौका है टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइसेस। अगर आपने इमिजिएटली कंस्ट्रक्शन का नहीं भी सोचना तो आप प्लॉट लेके यहाँ पे अपना पार्क कर सकते हो, और लेटर ऑन जैसे जैसे आपके पास पैसे जमा होते जाएँ आप उसके अंदर उस चीज़ को लेके चल सकते हो। सो दैट्स दैट, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।